दिव्या ने मांगा जनता से सपोर्ट, वो भी दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए। आखिर क्यों, क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं डिटेल में। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। जैसा कि बिग बॉस ओटीटी को शुरुआत हुए कई हफ्ते निकल चुके हैं और यहां पर हमें कई सारे लड़ाई झगड़े गहमा गहमी भी देखने को मिला, और खासकर बीते कैप्टेंसी टास्क के दौरान, जहां हमने भी देखा कि जिशान एलिमिनेट हो चुके हैं शो से। और इसी के बाद अब बिग बॉस ने ये अनाउंस कर दिया कि अब जनता ही चॉइस करेगी कि कौन बनेगा अगला बॉस लेडी और बॉस मैन, जिसके लिए वोटिंग लाइन चालू भी की गई थी 2 घंटे के लिए। और इसी दौरान दिव्या हैं जो वोट मांगती हुई नजर आई। जी हाँ, यहाँ पर दिव्या जो हैं जनता से सपोर्ट मांगती हुई नजर आई, वो भी मिलिंद और अक्षरा के लिए, जहां उन्होंने ये कहा कि आप एक बार दिल से सोचिए कि आखिर किस कंटेस्टेंट को मौका देना चाहिए, ना कि आप सिर्फ ये सोचे कि आपके फेवरेट कंटेस्टेंट है और उनके लिए वोट करना है और उनको आगे बढ़ाना है। यहाँ पर दिव्या पूरी तरह से मिलिंद और अक्षरा को सपोर्ट करती हुई नजर आई, और इसी के साथ ये भी कहती हुई नजर आई कि आप राकेश और शमिता को भी चांस दे सकते हैं कैप्टेंसी टास्क के लिए, और यहाँ पर आप उन्हीं भी चुन सकते हैं बॉस लेडी और बॉस मैन। वेल, यहाँ पर ये दोनों कनेक्शंस के लिए सपोर्ट मांगती हुई नजर आई। खैर, अगर दिव्या की बात करें तो दिव्या जिशान के जाने से काफी अकेला फील कर रही हैं, वो इमोशनली वीक हो चुकी हैं कहीं ना कहीं, और इसी के बाद उनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इस तरह से वो मिलिंद और अक्षरा से काफी इमोशनली अटैच होती हुई नजर आ रही हैं, और इसी के लिए वो सपोर्ट भी मांग रही हैं। खैर, अब यहाँ पे वोटिंग लाइंस जो 2 घंटे पहले चालू की गई थी, अब यहाँ पर देखना ये है कि जनता किससे बनाती है अगला बॉस मैन और बॉस लेडी। खैर, क्या कहना है आपको इस पर, आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।